शरीफ, अरशद शरीफ जिस तरह उसको धमकियां दी, उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, अपनी आवाज बाहर जाके उसने राय हक में खड़ा रहा और जिस तरह उसको शहीद किया, पाकिस्तानी वक्त आ गया कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब सहेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। हम ये जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, जो नामालूम टेलीफोन से डराया और धमकाया जाता है, हम एक आजाद कौम है, हम ये किसी की ना अंदर ना अंदरूनी ना बैरूनी, हम इनकी किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर किसी का ख्याल है कि ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और हम इसको तस्लीम कर लेंगे, मुझे मेरे लाहौर वाले बताओ, एक मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या ये अमरीकी चमचे, ये अमरीकनों के गुलाम, ये पाकिस्तान के डाकू, क्या आप इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? इंशाल्लाह आपने मेरे साथ खड़े होना है और मैं इस्लामाबाद जब पहुंचूंगा, मेरे पाकिस्तानियों तैयार हो जाए, आप सब तैयार हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि अगर इन चोरों की गुलामी करनी है, उससे बेहतर मर जाए, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। और आज जिस तरह आप निकले हैं, हमारा आपने इस्तकबाल किया, मुझे फख्र है कि मैं लाहौर में पैदा हुआ और मैं लाहौरी और मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। अच्छा, आप सारों ने हाथ खड़ा करके हल्फ लेना है, हाथ खड़ा करें सारे, मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने बाबा से फुरन रिपीट करना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम हल्फ उठाते हैं।